मेरे चैनल टेक्नोलॉजी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में डायनेमिक एनालिसिस मेथड के बारे में बताने वाला हूं। तो उससे पहले आप एक बार प्लीज़ यहां पे कोड में जाके उसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना कि डायनेमिक एनालिसिस मेथड कैसे डिजाइन करना है। और डायनेमिक एनालिसिस मेथड की टू मेथड्स है, एक टाइम हिस्ट्री एनालिसिस मेथड और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से पढ़ेंगे तो ये देखिए, डायनेमिक एनालिसिस में भी परफॉर्म्ड बाय द टाइम हिस्ट्री मेथड और बाय रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। ये मेथड हमें ईटैब में कैसे इनपुट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि डायनेमिक एनालिसिस मेथड हमें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से हमें कैसे यहाँ पे एनालिसिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मॉडल ओपन कर दिया है हमें, तो यहाँ पे डिफाइन में जाना है और यहाँ पे ये देखिए फंक्शन में जाना है और यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड लिखा हुआ है। यहाँ पे दो मेथड लिखे हुए, टाइम हिस्ट्री मेथड और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। यहाँ पे उसका शॉर्टकट भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ऐड यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें कोड IS 1893 2016 यहाँ पे नए 17 है उसमें यहाँ पे ऐड कर दिया है। नए कोड के हिसाब से हमें डिजाइन करता है ये, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड न्यू फंक्शन करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे IS हमें हमारे रेफरेंस के लिए IS 1893 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो 0.005 लिखना है। यहाँ पे हमारे जो जो सेस्मिक जोन हमें हमारे कोड के हिसाब से हमें चूज़ किए हुए हैं वो हमें यहाँ पे इनपुट करना है। इम्पोर्टेंट फैक्टर सॉइल टाइप कौन सी है और यहाँ पे फैक्टर कौन सा है। ठीक है, पुराने वाला ईटैब में यहाँ से कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट नहीं करनी थी, IR यहाँ पे हमें सारे इनपुट करना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायनेमिक एनालिसिस का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, हमारे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड का जो ग्राफ था वो भी रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें लोड केसेस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड न्यू केस करना है, यहाँ पे एक नया लोड केस बनाना है स्पेक एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मास सोर्सेज हमने जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था जैसा मास सोर्सेज हमें बनाया था वही हमें इधर रखना है मास सोर्सेज। ठीक है, यहाँ से हमें एक लोड अप्लाइंग ऐड करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में U1, यहाँ पे IS 1893 और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्केल फैक्टर में ध्यान से सीखने वाली बात है, यहाँ पे स्केल फैक्टर हम IG/2R करते हैं और यहाँ पे पुराने वाले जो ईटैब में था वहाँ पर IG/2R करके यहाँ पे स्केल फैक्टर करते थे, लेकिन अभी नया जो ऑपरेट हुआ है उसमें हमें जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसमें भी हम I और R की वैल्यू इनपुट कर देते हैं, इसलिए हमें यहाँ सिर्फ G की वैल्यू ऐड करनी है। G की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन 9810 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ G की वैल्यू ही स्केल फैक्टर में डालनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम 0 है तो यहाँ पे 0.05 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा स्पेक एक्स हो गया। ठीक है, ओके, वैसे ही हमें ऐड कॉपी ऑफ केसेस करना है, यहाँ पे वैसे ही वाई डायरेक्शन का कर देते हैं। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में U2 आता है, यहाँ पे बेसिक स्केल फैक्टर तो सिर्फ जी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों हमें लोड केसेस बना दिए। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देते हैं। अभी ओके करके कोई देख लेते हैं एक बार मॉडल में कोई एरर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मॉडल में कोई एरर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम। कोई भी एरर नहीं है तो इसको हमें रन करा देते हैं। मॉडल रन हो रहा है, यहाँ पे जितना बड़ा मॉडल होगा उतनी यहाँ पे रन होने में देरी लगती है।
चुके हैं, हमारा मॉडल रन हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी हमें जो डायनेमिक और स्टेटिक की जो वैल्यू आती है, यहाँ पे बेसिक बेस शियर होता है वो हमें ग्राउंड फ्लोर, मतलब कि जहाँ से हमें हमारी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, फ्लोर ग्राउंड लेवल होता है, उससे हम उस पर हमें स्केल अप मैच कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडल एक्सप्लोरर में जाना है, यहाँ पे टेबल यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे एनालिसिस में जाना है, यहाँ पे रिजल्ट स्ट्रक्चर रिजल्ट और स्टोरी फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी फोर्सेस में यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे बेस शियर होता है वो ग्राउंड फ्लोर, मतलब कि प्लिंथ लेवल जो हमारा आता है वहाँ हमें मैच कराना है। तो यहाँ पे प्लिंथ लेना है, और यहाँ पे ये रहा स्टेटिक का बेस शियर और ये रहा डायनेमिक का बेस शियर। यहाँ पे बॉटम रखना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इक्यूएक्स का एक्स डायरेक्शन में बेस शियर ये है, और यहाँ पे स्पेक का ये है, वाई का में देखिए तो ये है और ये है, तो ये वैल्यू हमें मैच करानी पड़ती है स्टेटिक और डायनेमिक। उसका भी एक यहाँ पे क्लॉज है कि हमें ये वैल्यू कैसे मैच कराते हैं, मैं आपको अभी सिखाऊंगा। यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाइए लोड केसेस में, और यहाँ पे स्पेक एक्स में जाइए, ये स्पेक एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू हमें कैसे मैच करानी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बेसिक स्केल फैक्टर है, उसको हमें मल्टीप्लाई बाय करना है स्टेटिक अपन डायनेमिक। यहाँ पे एंड का जो हमें पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा कि वो वैल्यू है तो वो कैसे मिलती है, फोर्स रिस्पॉन्स क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मेंबर स्टोरी और स्टोरी फोर्सेस, स्टोरी शियर एंड बेस शियर सेल बी मल्टीप्लाई बाय वी बी बार अपन वी बी, मतलब स्टेटिक बेस शियर अपन डायनेमिक बेस शियर। ठीक है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है स्टेटिक मतलब 1168.0472, उसके बाद डिवाइड करना है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, मल्टीप्लाई बाय करना है 1168.0472 डिवाइडेड बाय डायनेमिक का 9740024 करके एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारा स्केल फैक्टर मिल गया है, वैसे ही वाई में करना है, जो हमारा बेसिक स्केल फैक्टर था उसको हमें मल्टीप्लाई करना है डायनेमिक का स्केल फैक्टर, सॉरी स्टेटिक का स्केल फैक्टर अपॉन डायनेमिक का स्केल फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम स्केल फैक्टर ओके करेंगे तो हमारे पूछेंगे रिजल्ट सारे होंगे, अभी जो रिजल्ट हो वो भी डिलीट हो जाएंगे, तो ओके करना है और फिर से रन कर लेना है। फिर से रन किया तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारी EQX की वैल्यू और SpecX की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पे EQY की वैल्यू और SpecY की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पे सब वैल्यू मैच हो गई है। ठीक है, तो यही डायनेमिक एनालिसिस में यही वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैच कराने। ठीक है, ये वैल्यू अभी मैच हो गई तो उसे हमें लोड कॉम्बिनेशन में ऐड कर देना है। यहाँ पे पुराने वाले मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पुराने वाले लोड कॉम्बिनेशन स्टेटिक के हिसाब से हमें ऐड किए हुए हैं, अभी वो हमारे डायनेमिक के हिसाब से हमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड डिफॉल्ट करना है, यहाँ पे शियर वन ओके, तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे ये पैकिंग मतलब कि डायनेमिक के लोड कॉम्बिनेशन आ गए हैं। ये देखिए अभी वो हमें जब भी हमें ये डिज़ाइन करवाने हैं तो सिर्फ यहाँ पे डायनेमिक एनालिसिस के लोड कॉम्बिनेशन डाल के ही हमें एनालिसिस करवाने, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन में जाना, यहाँ पे रैम और यहाँ पे प्रीफ्रेंस एक बार चेक कर लेना, डिज़ाइन कोड हमारे 456 होना चाहिए। डिज़ाइन में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से सिलेक्ट करने हैं वो भी हमें ध्यान से देखना है। फिर एक और दो यहाँ पे स्टेटिक के नहीं लेने हैं, मतलब कि हमारे डायनेमिक एनालिसिस करवाना है, इसलिए हमें देखना है कि डायनेमिक एनालिसिस के कॉम्बिनेशन कौन से है।
15 से शुरू होते हैं, 15 से लेके 20 तक डायनेमिक। ओके, तो हमारे ये लोड कॉम्बिनेशन भी सेट होके हमें यहाँ से क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें एग्जैक्ट डायनेमिक एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।